साबित होता है हमेशा से, यू नो, चाहे वो टिकटॉक का हो या फिर अब ये सोशल मीडिया पर ये वेब सीरीज हो, क्या लगता है सोशल मीडिया के साथ एक अच्छा वाला कनेक्शन है इसीलिए लकी साबित होता है आपके लिए? आई डोंट नो, आई थिंक कहीं ना कहीं जो लोग आपको काम, जो आपका काम देखते, चाहे वो मेरी रियलिटी शोज़ हो या मेरी मूवी हो या शायद ये वेब हो, इनसे कनेक्ट करके वो मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए वो मेरे सोशल मीडिया को आके मेरा पेज फॉलो करते हैं ताकि वो मुझे जो फील करते हैं कमेंट लिख सके, ताकि मैं उनको रिप्लाई कर सकूं और मैं जान सकूं कि लोग क्या सोचते हैं काम के बारे में। सोशल मीडिया बहुत बहुत ज़रूरी है, आई थिंक आज की तारीख में वो इतना पावरफुल हो गया है कि आप अपने जो इमोशंस है, जो एक्सप्रेशन है या कोई चीज़ को लेके जो मुद्दे हैं जिनके लिए आप स्टैंड करती हो, आप बिलीव करती हो, आप आपकी सोशल मीडिया के थ्रू यूज़ कर सकती हो, बिकॉज़ आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी फैब्रिकेट नहीं होगा। ये कहते हैं ना सीधी ज़बानी, जब आप लोग आपके मुंह से ही सुनेंगे कि आप क्या कहना चाहते हो, बिकॉज़ कभी कभी कुछ चीज़ें कुछ लोगों को बोलने डर लगता है, पता नहीं कैसे प्रेजेंट करेंगे, और यू नो उसी चीज़ को अगर आगे पीछे एक दो एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिया तो शायद सुनने में कुछ अलग लगेगा। तो इसके लिए आई थिंक सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात है, बहुत मज़ा आता है क्योंकि आप यू नो जब रेगुलर काम नहीं करते तो आपके पास फ्री टाइम भी होता है बहुत सारा, तो आप चाहते हो कि उसे यू नो ऑडियंस के लिए मैं कितना फ़ोटो डालूंगी, लोग फोटो देख देख के बोर हो जाते हैं ना, तो इसके लिए मैंने कहा चलो वीडियोज़ बनाते हैं, छोटे छोटे कॉन्टेंट बनाते हैं, इसीलिए मैंने ये सभी टिकटॉक और ये सब करना शुरू कर दिया अपने दोस्तों के साथ, और ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है। वेल आई थिंक जो भी कहा है सच कहा है, और मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, और मैं बेवकूफ़ बन गई, मैं नहीं चाहती कोई और बेवकूफ़ बने, और ये मेरा अवेयरनेस हर उन लड़कियों के लिए है जो ये ऐसी सिचुएशन से गुजरती है और जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी है, बिकॉज जब मैं बाहर आई और जब लोगों ने मुझे टेक्स्ट करना शुरू किया मुझे पता चला कि मतलब मुझसे भी दुखी बहुत लोग बाहर हैं, तो आई थिंक तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये बात सिर्फ एक छोटे से मुद्दे की नहीं है बट असलियत बाहर लाने की है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई दूसरी सना खान इन द मेकिंग हो। दैट्स इट, थैंक यू।